सच साहस सरोकार। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस समय जिस तरह की हलचलें चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय दोनों जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष अलग अलग बयान दे रहा है, रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है अगर विपक्ष द्वारा कोई गलती की जाती है। यहां पर बात सबसे महत्वपूर्ण यह भी है, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हाल में ही जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी पहले 3570 की भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बड़ी यात्रा 3570 किलोमीटर 150 दिन, बड़ी मेहनत, बड़ा काम। उसके साथ साथ कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी छवि को बदल लिया है और जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि को स्थापित कर लिया है। जिस तरह से उनसे लोग जुड़ रहे थे, हजूम जुड़ रहा था और लोगों की व्यवस्थाएं जुड़ रही थी, विचार जुड़ रहे थे। कहा जा रहा था ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होने वाली है और कहा भी जा रहा था कि सत्ता पक्ष यात्रा से भयभीत हो चुका है, इसलिए कांग्रेस को जोड़ तोड़ करने में लगा हुआ है। खैर, सत्ता पक्ष की अपनी नीति, सत्ता पक्ष का कहना था कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अपने आप को जोड़ने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रही है, वो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। अब यात्रा क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर राहुल गांधी इस समय फिर चर्चा में है, कारण राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहां पर उन्होंने वहां के छात्रों को एक व्याख्यान था, लर्निंग टू लिसनिंग कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने व्याख्या दी और व्याख्या के दौरान उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो भारतीयों के लिए शायद खुशी की लहर लेकर नहीं आएंगी या खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और ये संविधान हमको अधिकार भी देता है कि हम अपनी बात रख सके, पर वो बात रखने की जगह मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, हकीकत है या केवल आपको लगता है, तब भी उसके लिए आप मंच शायद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं रखेंगे। क्यों? ये वही ब्रिटेन है जिसने हम पर सालों राज किया है। वहां पर जाके अपना दर्द साझा करना कि संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, प्रेस और माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों दुरुपयोग किया जा रहा है और मेरे फोन में पेगासस जैसी सॉफ्टवेयर डाल लिए जाते हैं। संसद में माइक कौन बंद कर देता है पता नहीं, सॉफ्टवेयर क्या है पता नहीं और अत्याचार क्या है पता नहीं, जनता जनता सब जानती है। अगर ऐसा है भी तो उसके लिए आपने मंच भारत की धारा को ना चुनकर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? कारण क्या है? क्या इससे भारत की एक जो वैश्विक प्रतिष्ठा है वो झूमेल नहीं होगी? क्या इससे आपका मन, जो आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं भारतीय हूँ, गर्व से हमारा देश का हर हिंदुस्तानी बोलता है कि हाँ मैं भारतीय हूँ, क्या उसकी मान को यहाँ पर कष्ट नहीं पहुँचेगा? खैर, यहाँ कष्ट की बात नहीं करते, पर जिस तरह से ये बयानबाजी हुई उसके बाद राहुल गांधी सत्ता पक्ष के निशाने पर आए और यहाँ पर भी राहुल गांधी के खिलाफ रणनीति बननी शुरू हो गई। किस तरह क्यों कहा और यहां तक कहा जाने लगा कि राहुल गांधी यहां पर माफी मांगे देश से कि उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की है। अगर वास्तव में उनके साथ कोई दिक्कत थी तो उसके लिए भारत की जमी पर्याप्त है, यहां आंदोलन करिए, संघर्ष करिए और दमखम दिखाइए। अगर आपको कोई समस्या है उसके लिए ब्रिटेन की धरती को चुनना कहां तक लाजमी है और इससे देश की प्रतिष्ठा को कहां तक आपने फायदा पहुंचाया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको यह आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँ, सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में,
ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, माननीय अध्यक्ष के ऊपर भी बेबुनियाद एस्पर्शंस कास्ट किए, बेबुनियाद आरोप लगाए, उसके लिए भी मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और उन्होंने अध्यक्ष पर के ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ भारत का जो पार्लियामेंट है ये बहुत साउंड प्रिंसिपल्स पे चलता है। ये भारत के पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम विदेशी धरती पर करना बंद करें। जो व्यक्ति घंटों तक पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को भरपेट गाली देने का काम करे और वो कहे कि लोकतंत्र नहीं है, जो व्यक्ति सदन के अंदर अपनी सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के सामने अध्यादेश को फाड़ दिया हो, वो व्यक्ति भारत में मोदी को गाली देते देते लंदन जाकर के भारत को गाली देने लगा और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के भारत को गाली दिया, ये भारत को बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों पर तो अगर माफी नहीं मांगता है तो इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा विषय, कारण राहुल गांधी के बयान, और कारण कि राहुल गांधी के बयान पर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की स्थिति में आ गए हैं। आज कांग्रेस द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन हुआ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नाम संघर्ष करते नजर आए। उनका कहना था कि अगर इस तरह की महंगाई जारी रहेगी, अगर जनता का शोषण जारी रहेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, यहाँ पर राहुल गांधी की बयानबाजी की बात करें या कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें, दोनों की अपनी अपनी व्याख्या है। बयान से यहाँ पर कष्ट हुआ है और माफी मांगने का अनुरोध कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल महंगाई को लेकर। खैर, हल्ला बोल अचानक इस मुद्दे पर इस समय शायद ध्यान भटकाने का प्रयास यहाँ भी किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, समय में मेहमान जो रूबरू करा रहा हूँ। नेता भाजपा से दिवाकर सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, और राजनीति विशेषज्ञ रूप में गजेंद्र त्रिपाठी अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विनोद सिंह से। विनोद भाई, भाई यहाँ पर एक तरफ तो बयानबाजी चल रही है, वहाँ पर व्याख्यान देने गए थे और भारत की बुराई करके आ गए, और भारत में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए जिस तरह की मंच जो उन्होंने चुना, ये मंच कहाँ तक जाया जाए? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की, अत्याचार शोषण कहाँ हुआ, 75-70 की यात्रा की और तमाम राज्यों से होकर गुजरी है, कन्याकुमारी शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक। उन्होंने खुद कहा कि हम भारतीय संस्कृति से रूबरू हैं और हमारा देश अच्छा है। फिर देश अच्छा है, फिर देश की प्रतिष्ठा के लिए इस तरह की बातें करना, वो भी कैम्ब्रिज जाकर, कहाँ तक जाए? कैसे देखते हैं आप? जी, और भारतीय जनता पार्टी का सोचने का जो विकार है, मानसिक दिवालियापन है, अच्छा राजनीति में जो उनकी नासमझी है, तानाशाही रवैया है, ये बताता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना, भारत में बदहाल जो व्यवस्था है, जो नीतिगत तरीके से उसको व्यवहार और प्रैक्टिस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस सच्चाई को बयान करना जी, और ये गुनाह है जी। मैं इनके गिरिराज जी की आपने बाइट दिखाई, राजनाथ जी की बाइट दिखाई, अब ये लोग इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के बावजूद जी अर्थ का अनर्थ इस प्रकार से निकालेंगे, जो भारतीय कोई बच्चा कक्षा 4 और 5 में क्या भेद है बताता है। अच्छा, मैं आपसे और दिवाकर भाई बैठे हैं, हाँ, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी की विवेक पर तो सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन चुनौती देते हुए बड़े साहस के साथ साफगोई से एक बात कहता हूँ, उन्होंने भारत का कहां अपमान कर दिया। अच्छा, भारत में जो आपने अर्थ का अनर्थ करने की नीति बनाई है जी, जो आपके संवैधानिक अधिकारों को याद दिलाते हुए उपेक्षित गरीबों, महिलाओं,
के प्रति सामाजिक न्याय के तहत अधिकार मांगने की बात करते हैं, आप उसको अपमानित करने की जो आपकी नीति और नियत है उसका उन्होंने बात कही, एज इट इज कहा है, लेट इट बी एज इट इज जी। तो आप चूंकि आप तो छेड़खानी के, आप तो फैब्रिकेशन के, मैनुपुलेशन के मास्टर हैं, तो इतनी साफ गोई से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रबुद्ध लोगों के बीच में भारत की यथास्थिति को और बहुत फाइन तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत संयमित तरीके से आप बताइए कहा है। और यहां संवैधानिक जो पद पे हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए विदेश की सरजमी पर जाके बार बार बारंबार कहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी के समर्थकों से ताली बजवाते हुए, अच्छा आज के पहले 2014 के पहले भारतीय होना अपमानित होने की बात थी, 2014 के बाद उनके कार्यकाल के बाद भारत का सम्मान बढ़ा है। तो मैं दिवाकर भाई तो बुद्धिजीवी हूं, मैं पूछता हूं ये कौन सा बयान है, ये वस्तु ये एक्चुअली में वास्तव में ये अपमान करने वाला बयान है। आप जो यहां पर अभ्यास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपनी रीति नीति के तहत सरकार व्यवस्था चला रहे हैं, उसको राहुल जी ने बताया, एक प्रश्नोत्तर के समय में बताया। मैं एक बात कह दूं, कोई भी गांधीवादी जो शिक्षा समझता है, जिसको कॉमन सेंस की बात है, वो कुछ भी आप सूली पे चढ़ा दीजिए, कुछ भी ये ड्रामा नाटक कर ले, लेकिन वो बात करेगा तो सही बात करेगा। अच्छा, वो बात करेगा तो एज इट इज जो सिचुएशन है उसकी बात। भाई मेरा सवाल रहेगा, ये आपका मानसिक दिवालियापन है, ये आपका विकार है, ये आपकी नासमझी है, अच्छा ये आपकी तंगदिली है, ये आप उसको समझ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा और इसको आप स्वीकार करते, अच्छा जी, अगर लोकतांत्रिक वैल्यू की बात करते तो आप इसको स्वीकार करते, अच्छा आप इसको ये नहीं कहते भारत का अपमान हो, कहीं भारत का नाम लिया हो, अच्छा आप मतलब भारत नहीं है, सरकार मतलब भारत नहीं है, अच्छा आप क्या तमाशा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रमाणिक तरीके से जो उंगलियां परोक्ष अपरोक्ष रूप से इनके ऊपर आ रही हैं, हाँ। सेल्फ इंटरेस्ट के दायरे में, पार्टी हित के दायरे में, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए दायरे में, साधन संसाधनों की लूट के बारे में, उस पर तो कोई जवाब आप साफ गोई से देने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, और एक अगर, क्योंकि आपके आपके मुंह में आपके चोर है, आपके दिल में चोर है, अच्छा आपके मन का खोट ये बताने के लिए, मेरा सवाल करने के लिए मेरा सवाल ले रहा है। आपने कहा कि भारतीय भारत की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाई, भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, संसद तो भारत की है। दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि माइनॉरिटी और प्रेस पर अत्याचार हो रहा है, ब्रिटेन में थोड़ी ना हो रहा है, और तो भारत में ही रहा है, ये भी भारत ही भारत की, क्यों राहुल गांधी भारत के ही नागरिक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ब्रिटेन की एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग यहाँ पर भारत की एजेंसियों का हो रहा है, जो आपने कहा। तो फिर भारत की बात तो हुई, दुमेंद्र भाई यहाँ पर कहाँ दूसरे देश की बात कर रहे हैं, मंच दूसरा है, जगह दूसरी है, बात तो उन्होंने, अगर ये बात सारे हिंदुस्तान में करते, हमारे देश में करते, तो इस पर बवाल नहीं होता। पर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मंच ना, वो मंच कहाँ तक चुनना जायज था, ये महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए। भाजपा द्वारा जो बेकार प्रायोजित बवाल है जी, इससे डर के कोई आदमी झूठ बोलेगा कि आप कहना, अच्छा, क्या चाहते हैं, अच्छा झूठ बोले वो जी, जो इनकी स्थिति नहीं, मैंने झूठ और उसकी बात ही नहीं कही, देश में हो रहा है वो तो वो जानते होंगे, स्थिति को बयान ना करें जी, तो कहीं पर भी बयान करने क्या में यूनिवर्सिटी क्यों चलेगा भाई। मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस का कोई भी सिपाही, छोटे से छोटा अदना सा कार्यकर्ता भी सच अच्छा और झूठ में भेद बहुत अच्छे से जानता है, अच्छा वो कुछ भी कर ले, ये कुछ भी ड्रामा नाटक कर ले, सच्चाई को बयान, तो मैं गए कि प्रदर्शन करने के लिए बाहर चले जाते, यहां लखनऊ में क्यों किया भाई, जो जब जहां पर रहेगा सजीव रूप से उस प्रश्नोत्तर के दौर में, अच्छा कोई प्रेस वार्ता के दौर में या कहीं ऐसे शिक्षण संस्थाओं में अगर सवाल जवाब की बात आएगी, अच्छा यथा स्थिति को बयान करे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, दिवाकर भाई कैसे देखते हैं भाई, ये तो कह रहा है कि कोई बात नहीं की उन्होंने। गौरव जी जी, अपने नेताजी के आदर्शों पे ही हमारे भाई सब चल रहे हैं। अच्छा, कौन से आदर्श? साफ कोई जो यही अल्प समय में और अल्प काम के लिए गए हैं, अब हम नहीं ज्यादा कहेंगे क्योंकि बड़े नेता हैं। अच्छा, आप भाई साहब को जो भारत दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा हमारा प्रधानमंत्री इनको भारत का नहीं दिखाई दे रहा, इनकी भाषा है कि भारत का नाम कहाँ लिए, हमारी सदन इनको भारत की नहीं दिखाई दे रही है, वो सदन किसी दूसरे देश की है, कह रहे भारत कहाँ रहा है। आप मैं चुप रहा, भाई साहब पहले चुप रहिए, पहले चुप रहिए, पहले सुनिए पूरी, आपने जितने आरोप अनर्गल आरोप लगाए हैं सुनने की क्षमता रखिए, अनर्गल बोलने से पहले जैसा बोलेंगे उसे सुनने की क्षमता रखिए, आपको अपने इतिहास से सबक लेनी चाहिए जी। आपको पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से भी सबक लेनी चाहिए थी जी,
इमरजेंसी के बाद सरकार गई, वो विदेश गई, लोगों ने कुरेदा भारत के बारे में, उनका यही वक्तव्य था कि हम देश की बात देश में करते क्या बात है? क्या बात? आप क्या सबक लिए जी? देश की बात देश में होनी चाहिए जी, विदेश में हमारा सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए और चौड़ा रहना चाहिए। क्या बात आप है? बात करते हैं जी, 14 की बात की नहीं, एक मिनट पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए भाई साहब, मैं चुपचाप सुना हूँ, सुन लीजिए आपकी पूरी बात का जवाब। आपने मौका लिया पूरा, अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसका जवाब भी आप सुनिए जी। जहाँ तक आपने दो चीजें कही कि राहुल गांधी ने कहा क्या जी, अरे भाई इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इतनी बड़ी सदन पड़ी है जी, सदन में आप गालियां देते हैं जी, सदन में जो मन होता है वो करते हैं आप जी, अपने प्रधानमंत्री के आप बिल फाड़ते हैं जी, अपने प्रधानमंत्री के आप बिल तक फाड़ते हैं जी, तब सदन नहीं थी क्या जी? मनमोहन सिंह के समय पूरा देश देखा, आपने क्या किया जी? तब विदेश में जाके बिल फाड़े थे आप जी? अरे यह वह देश है जी कि जाके जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में बोले, मेरे बहनों एवं भाइयों जी, वह देश है जहाँ की यह शब्द बोलना चाहिए, विश्व के मेरे भाइयों बहनों, आप जाकर आप चुप रहिए, चुप रहिए, बात कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आप बेकार करने में लगे, आप बहुत बड़ा आरोप लगाए 14 के पहले जी। अरे 14 के पहले आपने हमारे राष्ट्रपति की पगड़ी उतरवा दी जी, चेक करवा दी जी, उसमें आप कहाँ था स्वाभिमान आपका जी? तुरंत विरोध करना चाहिए आपको। और आज हमारा प्रधानमंत्री और हमारे सुनिए आपके साथ क्या हुआ, सुनिए पहले हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति जाते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ करके रहते हुए प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने बेहद निराशा और अपमान होने का प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रदेश की महामंत्री आती है, प्रधानमंत्री आती है, महारानी आती है, यह भारत का सम्मान विश्व नहीं बढ़ा तो आपको भारत का सम्मान विश्व में कैसा देखेंगे आप? आज जब विश्व की पंचायत बैठती है तो भारत अपने अपनी बात को कहता और विश्व की पंचायत उसको सुनती है, पूछा जाता है। पहले पांच देश जब बोलते थे केवल सुना जाता है, पांच देश ही वीटो करेंगे, आज भारत की राय ली जाती है और भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे जी। रूस के बारे में अभी आप देखना है, रूस यूक्रेन के युद्ध में लोगों ने मना किया, विश्व की पंचायत में विश्व के जो माप है सबसे बड़े मठाधीश कहे कि रूस से आप तेल मत खरीदिए, इन्होंने कहा आपके कहने से मैं तेल नहीं खरीदूंगा, क्या आप कौन होते मुझे बताने वाले व्यापार कैसे होता है? मैं अपने व्यापार की शर्तें अपने हिसाब से करता हूं जी, मुझे किस देश की मदद करनी है भारत तय करेगा, किस देश की सहायता करनी है भारत तय करेगा, किस देश से व्यापार करना है भारत तय करेगा, आप हम हमेशा विश्व की तरफ नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी जी को मैं सादर, बड़े नेता हैं, बड़े परिवार से आते हैं जी, वो बड़े परिवार में जन्मे हैं जी, देश में हम नहीं कहते हैं गांधी परिवार एक अच्छा परिवार रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ परिवार रहा है, लेकिन ये नहीं जी, जब आप विरोध करते हैं कि राजा का ही लड़का राजा नहीं होगा तो कैसे आप मान लिया प्रधानमंत्री का लड़का ही प्रधानमंत्री होगा भाई जी? योग्यता होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लड़के को प्रधानमंत्री होने की, यही समस्या है, सुन ले ये है। सुन ले विकार नहीं ये बात, आप बात सुनिए, रिपोर्ट मत करिए बातों को, आप सुनिए साक्ष्यों के साथ, सुनिए साक्ष्यों के साथ, सुनिए फैब्रिकेशन मत डालिए, साक्ष्यों के साथ सुनिए, आप जिस तरह से सदन में आप व्यवहार करते हैं सीधी बात का सीधा जवाब दीजिए, सीधी बात सुनिए, आप जहाँ तक बात करते हैं आज आपके हमारे भारत राष्ट्र में विश्व में सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है जी? हम सामरिक शक्ति में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? अर्थव्यवस्था के महा तो आपको तानाशाही रवैया करने की कोई छूट दी जाए, अर्थव्यवस्था के नहीं वैश्विक संकट में हम अपनी अर्थव्यवस्था हम रुपये में व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम रुपये में व्यापार कर रहे हैं, हमारा रुपया विश्व ग्लोबल पे चला ठीक आ गया, हो गया हो गया, हम व्यापार पांडे ठीक है, आप क्या बताएंगे पांडे, आप क्या बताएंगे ठीक है, जयप्रकाश पांडे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, सच में ये हो गया, हो गया, आप लोग कर लोगे भाई, ऐसे नहीं 10 साल जो भाई दिवाकर भाई के लिए हो गया, उसको आपने चुप हो गया, हो गया, हो गया, जिसको हो गया, हो गया, बाकी हो गया, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई, मोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की बात आ गई, बात आ गई, इससे बड़ा ठीक है भारत के संविधान में क्या आपकी बात आ गई, ठीक है, क्या नहीं है ये आप खुद जानते, बात आ गई ठीक है। जयप्रकाश पांडे क्यों मुस्कुरा रहे थे, ऐसी कौन सी बात कर दी है दिवाकर भाई ने? मुस्कुराने का कोई कारण नहीं था जी, विमर्श का जब दिवाकर भाई ये कहे हैं जी कि अरे वो हमारा रुपया मजबूत हो गया, हाँ। तो मुझे लगा कि अब वो रुपया मजबूत नहीं, रुपये में व्यापार शुरू हो गया, व्यापार शुरू, चलिए सुन लीजिए, व्यापार शुरू हो गया। जयप्रकाश भाई कैसे देखते हैं
तमाम तरह के बयानों को। देखिए, ये जहाँ तक समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, हम हमेशा राष्ट्रहित में अपने देश की सरकार चाहे जो हो जी, अभी बाहर बोले नहीं जाते, उसके साथ नहीं, उसका उस पर आऊंगा मैं। अच्छा। चूंकि जब भी देश के सामरिक एंगल पे या देश की प्रतिष्ठा पे प्रश्न बनता है जी, तो हम सरकार को बचाते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह की रही हो या अटल जी की रही हो, राष्ट्र पहले। क्या बात। लेकिन सवाल ये है कि भारत जो राहुल गांधी जी के जिस पे डिबेट है जी, तो वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमने उनको बड़े ध्यान से सुना जी, और जो भारत का आजादी की लड़ाई रही है वही उसका एक एंगल रहा है। अच्छा। कि वो जो तीसरी दुनिया के देश थे उसके साथ एक साझे कार्यक्रम के साथ बढ़ती रही है। अच्छा, तो और विश्व दृष्टि हमारे साथ रही है। अच्छा, तो गुलामी से छुड़वा रहे क्या? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का उनका जो भाषण था उसमें कहीं भी भारत के अपमान का कोई मसला नहीं है। पहली बात, भारत और सरकार में अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि ये अभी तो ये बता ही चुके दिवाकर भाई कि इसके पहले तो राष्ट्रहित के लिहाज से हम राहुल राजीव गांधी जी थे, तो अटल जी को भी वो डेलीगेशन में भेज दिए, इंदिरा जी ने बाहर कुछ कहा नहीं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये स्थिति आई भी, अगर उन्होंने कुछ कहा है जिससे आहत हैं, तो ये समझिए कि उसका कारण क्या है। अगर 2014 के बाद के हालात देखेंगे आप, तो अगर राहुल गांधी को जैसा कि गिरिराज सिंह कह रहे थे कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और राजनाथ जी जैसे बड़े नेता, हमें लग रहा उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद वो बड़े दूरदर्शी नेता है, और उनको अनुमान हो गया था कि खंडित जनादेश आएगा तो जो पीएम वेटिंग वाली स्थिति है वो मुराद उनकी पूरा होने वाली है। राजनाथ जी बहुत दिनों से मौन थे, और मतलब हमारे सूबे हम लोग सांसद लखनऊ से भाई आते रहे, तो हम लोग चाह रहे थे, हमारे लिए अच्छा है गुजरात के बरक्स अगर बीजेपी की ही सत्ता है तो हमारे प्रदेश का कोई अपना सांसद बने, वो तो हम चाहेंगे, वो अलग इशू है। लेकिन मैं प्रदेश के सांसद प्रधानमंत्री दूसरा वो मतलब नहीं है, वो कॉलोनियल रिलेशन है और कुछ नहीं है, भारत वो तो एक है, संपूर्ण भारत एक है जी। देखिए, जहां तक उस इसका मैं कह रहा था कि अगर ये गलत है, गलत ट्रैक है, तो फिर इसमें सबसे पहले जिसको जिस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और जो खुद मतलब कहा भी कई बार है कि अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी शुरुआत करी है। वो भी कहा करी, ड्रैगन जो हमारा सबसे शक्तिशाली दुश्मन है दुनिया में, उसके सरजमीन पे जाके ये तो भारत का नाम लेंगे, उन्होंने भारत का नाम लेके कहा कि 2014 के पहले भारत में अगर आप पैदा हैं तो लगता था कि हम कहां, हम शर्मिंदा, मतलब आप 71 की जंग में जब हम पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे तो भारतवासी शर्मिंदा थे, हम पीएल 480 का लाल गेहूं खा के जिंदा रहते थे, हरित क्रांति हमारी हो गई, अब हम एक्सपोर्ट की स्थिति में, तो ये 10 करोड़ किसान परिवारों का अपमान नहीं है, आप हरित क्रांति को खारिज कर रहे हैं, आप 71 की जंग को खारिज कर रहे हैं, आप इसरो में हम दुनिया के सबसे सस्ते सैटेलाइट बनाते हैं और ट्रांसपोर्टर बेचते हैं, वैज्ञानिकों को अपमानित कर रहे हैं, तो वो एक बार की बात नहीं है, सुनिए, भारत में ये सब है, भारत में ही किसान है, भारत में ही वैज्ञानिक आता है और भारत में ही लेखक आते हैं साहब, तो वो एक बार होता तो मैं मान लेता कि माननीय प्रधानमंत्री जी जुमले गढ़ने माहिर है, लेकिन वो अगर आप देखिए कनाडा, सुनिए कनाडा, खुद आपका भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये तो अमित शाह जी का शब्द है, अच्छा हम लोगों को कुछ बोलना है नहीं, अब तो उन्हीं के शब्द रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। अच्छा, तो ये एक जगह नहीं किए हैं, अच्छा, यूरोप के सारे बड़े राष्ट्रों के, हाँ चीन में, जापान में जा जाके कहे हैं, तो ये जो स्थिति आई है, विमर्श का जो स्तर गिरा आप सदन में अगर देखिए जी, तो उसके लिए दोषी कौन है? अच्छा, ये इन लोगों ने व्यक्तिगत कीचड़ उछालना, बताइए मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी को ये कहना कि ये रेनकोट पहन के नहाते हैं, कांग्रेस लेके सारे पूर्व सदन में, सदन में जुमला कहिए चाहे आरोप लगाइए, हमारा ये ध्येय है, जो भी कहना आप सदन में कहिए, बाहर मत कहिए, हमारा ये आरोप है, ये आरोप हमारा ये है, बात इस पे होनी चाहिए, आप हमारे यहाँ उद्यम पर जार करिए, करिए सदन में, करिए गले में भी मिलिए, सदन में मिलिए, और विरोध करिए, गाली दीजिए सदन में दीजिए, लेकिन बाहर जाके मत करिए। अरे जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, आज जिस दुनिया में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये ग्लोबल वार विलेज है, जो आपका ये ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है,
ये सब देश की सरहदों में नहीं बधा है। भारत की इमेज कैसी है ये निश्चित रूप से मैं कई बार यही बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, केवल आर्थिक आंकड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, हंगर इंडेक्स वो छोड़िए, मान न मानिए, लेकिन लोकतांत्रिक सूचकांक हो, अभिव्यक्ति की आजादी का हो, उसमें हम कहाँ पहुंच गए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तो ये तो सब चीजें दुनिया में आज आप ट्वीट करेंगे वायरल हो जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें, भारत में जितने ट्विटर हैंडल है कुल योग का गुणा 4 कर दीजिए, अकेले मोदी जी का है। अच्छा, ये प्रमाण से बता रहा हूँ। अरे भाई, फॉलोअर उनके पास है, फॉलोअर नहीं है, खुशी की बात है, दुख की बात है, देश है, फॉलोअर खुशी की बात है, दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी है, इसने कहा ये आप बढ़िया, ये प्रधानमंत्री भारत से अधिक, भारत से अधिक जो आदमी दुनिया में लोकप्रिय है और विश्व का सबसे लोक ताकतवर राष्ट्र अमेरिका, जिसको ये जिताने चले गए थे, सोचिए उसके इंटरनल मैटर में अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में कह के चले आए, जबकि इतना बुद्धि विवेक सबको होता, किसी के आंतरिक मसले में आप अगर इस तरह कंपेयर करेंगे, भारत की तारीफ करते हैं, हां नहीं आए ना, उसका परिणाम जान रहे हैं, तारीफ करते हैं, उसका परिणाम ट्रंप नहीं रहे, सारे विदेशी राष्ट्र, परिणाम क्या हुआ है, परिणाम दो साल से, अरे परिणाम सुन लीजिए सरकार, दो साल से अस्थाई राजदूत नहीं अमेरिका का है, नेपाल जो हमारा पड़ोसी था, विदेश नीति सुन लीजिए सरकार की, वहां चीन रेलवे लाइन बिछा लिया है, गलवान घाटी के बाद फिंगर 4 तक हमारे सैनिक नहीं पहुंचे, ये कह रहे हैं व्यापार बढ़ रहा, 100 अरब डॉलर का घाटा है चीन व्यापार में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा अभी जो भारत की स्थिति तो कभी नहीं रही, इस वक्त पहले से ज्यादा ताकतवर है, G20 देशों में जो भी अहमियत इस समय है वैसे कभी नहीं हुई, विदेशी ताकतों के पास भारत को साथ लेकर चलने के लिए कोई विकल्प नहीं है। बारी बारी बोलिए, टोनी ब्लेयर का एक बार मत बोलिए, मजा नहीं आता, टोनी ब्लेयर का बयान सुनना सुन नहीं पाते, बारी बारी बोलिए, बारी बारी मान लिया कि अगर आप ताकतवर हैं इतने तो आपका अगर क्यों बोल रहा भाई, आप भी उसमें आते, भारतीय है भाई हम लोग, पहले आप ताकतवर हैं, ये अगर क्या होता है, हम ताकतवर हैं, अगर क्या होता है, भारत ताकतवर है, नहीं नहीं ये कहे हैं कि हमारा यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत हम तो कहीं रहेंगे हम भारतीय, हमारा लेकिन ये कहते हैं 2014 के बाद का भारत, मतलब वो पेटेंट है मोदी का भारत, मोदी का भारत, सबका भारत नहीं है, सरकार और गार्जियन बदलते रहते हैं, चलिए ठीक है, हो गया, बदलती रहती है, हो गया, सरकार अपने हिसाब से ताकत बढ़ाती है, आप लोगों की बात आ गई भाई, आज की जो अब गजन भाई बताएंगे, गजन भाई आपको मेरी आवाज आ रही, जी गजन भाई, यहाँ पर सबके अपने भी तथ्य हैं, क्या सोचते हैं वहां पर जाके बयान देना, क्या सोचते हैं सत्ता पक्ष का उनसे माफी की मांग करना, देशद्रोह के मुकदमे तक की बात हो जाना, और दूसरी तरफ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, तमाम आप बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए सब कोई स्वतंत्र है, मंच अलग अलग होता है, जी राहुल गांधी निश्चित तौर पर भारत के एक सशक्त नेता हैं और एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी के नेता, क्या बात, लेकिन वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो गलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दोहराया था। अच्छा, क्या माननीय माननीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बारे में ऐसी बातें नहीं कही, जी ऐसी ही बातें कही, जी इनके आने से पहले भारत की स्थिति क्या थी, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहेंगे, आप आइए भारत में, संसद है हमारे, यहां प्रेस मीडिया है, जी जनता है, उसके बीच में कहिए, जी देखिए ये कोई यहां दूध का धुला हुआ नहीं है। अच्छा, जिनको मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच मिलता है और उससे वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने को स्थापित करने के लिए कहा जाएगा, कि भारत की बात आप बताइए, यह उस मंच पे क्या बात किया इन्होंने, राहुल गांधी ने भारत के न्यायपालिका, भारत के प्रेस की बात किया इन्होंने, जी संसद की बात किया इन्होंने, जी यहां तक बात किया कि इजराइल की एजेंसी द्वारा जी सबके फोन को रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जी अरे भाई किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं, अभी यहां बात हो रही थी कि हम गांधीवादी हैं, जी कौन सी गांधीवादी, जी गांधीवादी है देश में आइए जमीन पर, आप पूरे भारत की यात्रा आपने किया, पूरे यात्रा के बाद आपको अपनी बात कहने के लिए मंच कहां मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय मंच था अपनी बात को कहते, जब जब भारत के किसी भी, देखिए अभी कुछ लोग हमारी बात से असहमत हो जाएंगे, जी लेकिन
हमारे देश के कुछ नेता अभी अभी पाकिस्तान गए, उनके बयान आप देखिए राष्ट्र के विषय, अच्छा वह भारत को किस स्तर पर वहां पर जाकर के प्रेजेंट करते हैं जी। यह देश मेरा है जी। इस देश के बारे में जब भी बात होगी किसी अंतरराष्ट्रीय पटल पर तो हम एकजुट, हम एक है, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां हम कांग्रेस नहीं है जी, सपा नहीं है, बसपा नहीं है जी। अरे भाई आप राष्ट्र के बारे में बात जब करते हैं तो भारत की शक्ति के बारे में दुनिया को बताने की जरूरत है कि आज हम इस स्तर, और लोकतंत्र की बात की जाती है जी, दुनिया भारत को कहता है सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या बात, और उस लोकतंत्र पर ही प्रश्न चिन्ह है जी। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप वहां पर जी, यह है प्रश्न। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी अपने को दूध में नहाने की कोशिश मत लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्र के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं जी, उन लोगों से ऐसी चीजों की जनता कभी सुनना नहीं चाहती है। लेकिन मजबूरी में इन लोगों का पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। अरे भाई आपकी अगर सैद्धांतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, अपनी लड़ाई को भारत में आप लड़े। जब आप विश्व के मंच पर इस बात को कहते हैं बिल्कुल, तो यह बहुत ही निंदनीय है बिल्कुल, और इससे समाज आहत होता है। अरे निंदनीय है कि ये वंदनीय है, उस पर ठीक से समीक्षा करिए, कोई बैलेंस करने वाली रणनीति नहीं हो रही है। ये बयान पूरी तरीके से जिम्मेदारी को, वस्तुस्थिति को भारत की बताता है। लाग लपेट की बात करिए, ये भारत जनता पार्टी का पंचायत में जाकर के, मैं बता रहा हूँ पंचायत, आप पंचायत की बात करेंगे, प्रधानमंत्री का विदेश प्रेम गरिमा गिराना है, प्रधानमंत्री का विदेश प्रेम जो है, विदेश प्रेम, विदेशी प्रेम लग जा ही रहे, क्या बात कर रहे हैं, अनावश्यक जी बोलिए गजन भाई, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी नाम लेके बोल रहा है कि आप बैलेंस बात करने का काम करते हैं, विनोद सिंह बोल रहा है कि आप बैलेंस बात तो कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठ के, आज एक प्रश्नोत्तर के समय में भारत की यथास्थिति है उसका बयान करने के लिए आप बैलेंस बैलेंस खेल रहे हैं, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, कहीं पर भी जाएंगे, जहां पंचायत में, जहां सदन में बोलिए, आप बोल लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी हो गया, प्रधानमंत्री जी कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री अगर ना हो तो प्रधानमंत्री जी जो कि कैम्ब्रिज का पूरा स्पेलिंग भी नहीं स्पेल आउट कर पाएंगे, ये कौन सी बात है, ये बता रहा हूं, बिल्कुल बता बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, ज्ञान का मार्ग करिए, दिवालियापन आ गया है देश के, सबसे प्रधानमंत्री बैठे हुए पीड़ा बयान कर रहे हैं, प्रति की पीड़ा बयान, दिवालियापन आ गया है, पीड़ा बयान, यही भाषा है, ये गालियां हैं, ये लोग ने ट्रंप तो करा सकते हैं, अडानी के द्वारा अप्रोक्ष रूप से अपनी बिल्डिंग इमेज के लिए हजारों करोड़ रुपए स्वाहा तो कर सकते हैं, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, हमारे नौजवान टैलेंटेड स्किल, हमारे जवानों का, शिक्षित रोजगार, बेरोजगारों का, लेकिन ये नीतिगत के नाम पे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको बचाने के लिए मैं आज बता रहा हूं कौन सा ऐसा व्यवहार, कौन सा ऐसा भाषण, कौन सी ऐसी अभ्यास इन्होंने ईमानदारी से किया, दिवाकर जी के पास 5 काम नहीं बता पाएंगे, जो हमारी प्रैक्टिस थी, जो एक डेमोक्रेटिक नेशन की, लोकतंत्र की हमारा पहचान था मूल, उसको किस प्रकार से उसकी सीमा मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी से लेके अपने पावर का भरपूर एक्सरसाइज करते विरोध की आवाज को, विरोध की आवाज को, जनता की आवाज को, जनता के सवाल को, जनता की भाषा को केवल नजरअंदाज करने का काम किया, ये वैचारिक लड़ाई है, ये भारत के भविष्य में नहीं कहना चाहिए, ये भारत में विदेश में बोलने भारत के भविष्य में, जवाब लीजिए और जनता जवाब देगी, हुए मुद्दों को सरकार से न्याय दिलाने के लिए आग्रह करते हुए उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई है, लड़ाई गंभीर है, विषय गंभीर है, ये कोई आपके आपके विश्लेषक होने से, बैलेंस बैलेंस खेलने से नहीं खत्म होगी। अच्छा आप में अगर हिम्मत है तो उनको ज्ञान बताइए, आरोप लगाएंगे, जानकार है, गालियां देते रहेंगे, सच की कोई सीमा नहीं होती है, भारत के भारत
भारत के मनीषियों ने, भारत के रिसर्चर ने, गौरव जी जब जब आवश्यकता पड़ी तो पूरे विश्व को आलोकित करने का काम किया। गजेंद्र भाई जवाब दीजिए, पूरे विश्व को गजेंद्र भाई जवाब दीजिए, दिमाग वाले जवाब देंगे गजेंद्र भाई। और हर देश हो गया, हर देश स्वतंत्र हो गया, हो गया, हो गया। गजेंद्र भाई जवाब दीजिए, गजेंद्र भाई। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन शांति का पक्षधर है। अच्छा, आप क्या चाइना के प्रवक्ता है वहां? नहीं तो प्रधानमंत्री जी क्या है? चाइना के प्रवक्ता है प्रधानमंत्री जी क्या है जी? इनके पास गाली के अलावा कुछ है बचा नहीं क्या? इनसे पूछे प्रधानमंत्री, गाली के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है? ये चीन के पक्षधर है, ये चीन 2014 के पहले सारे लोगों को बुलाए हुए नहीं, जो लोग 2014 के पहले हुए तो चूंकि प्रधानमंत्री है सबको गाली देने का काम करेंगे, हाथ उड़ाएंगे सबका। चीन को लाने के बाद आप कहते हैं कि वो जो है शांति का पक्षधर है, अच्छा तो भारत क्या है? सवाल ये जो भारत 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 को खराब करने की जो आपने नियत बना रखी है, वो आपकी प्रेरणा बन गई है। उस पर एक सवाल आप राहुल गांधी के चीनी वाले बयान रुके से क्यों नहीं लेते? जवाब पत्थर से देंगे। राहुल गांधी के चीनी वाले बयान का जवाब दीजिए विनोद भाई, गजेंद्र ने पूछा आपसे क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात करूँ, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, सुनिए। एक संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अच्छा, उसकी पोजीशनिंग रणनीति अलग है। अच्छा, एक स्वतंत्र विचारक के रूप में नेता मैं बता रहा हूँ जी, जी उससे अगर कोई सवाल पूछे जाएंगे तो आप बताइए वो सच को छोड़ के झूठ आडंबर वाली कोई बात करेगा? और भारत की बदहाल व्यवस्था से पूरा विश्व परिचित है। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट्री के लिए कहाँ बदहाल हो गया बता दीजिए। अरे किसी भी बात को कहाँ से कोई सिस्टम की ठीक से सही तरीके से स्वाभाविक तरीके से बदहाल है, हो रही है, में सजा के सत्ता नहीं हो रही जा रही है। अच्छा, ये भारत बदहाल है। अच्छा, गौरव जी एक लाइन का सवाल है, मैं दिवाकर जी से यही पूछ रहा हूँ, आपको सवाल से इतनी आपत्ति क्यों है मेरे भाई? अच्छा, आपके प्रधानमंत्री को सवाल सहस्र स्वीकार क्यों नहीं? अरे सदन किस लिए बनी है? वालों को आप सदन बनी है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अपमानित करने का काम क्यों कर रही है? राहुल गांधी बनी है, राहुल गांधी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी सदन है, सदन के वहाँ के मालिक हैं, सदन के सदस्य हैं आप, भारत की सदन के सदस्य हैं हुए, आप आए गए नहीं है, भारत के लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए सरकार से सवाल करने का काम किया है। अच्छा, सरकार को उसकी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी एहसास कराने का काम किया है। पीड़ा वहां से है, इनको सवाल से डर लगता है साहब, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है किसी बात का। अरे आपके सवाल, इनके पास जवाब नहीं है, सवाल आपके लिए किस लिए है? सदन में बोलना नहीं है, अब विदेश में जाके भारत को गाली देना है? गाली अरे यहाँ तो आप दे ही रहे हैं, विदेश में तो कम समपक्षी है महाराज, अपने पूर्वजों का ध्यान रखिए, भारत लेकिन एक बात है गौरव जी, भारत के कार्यक्रम में जैसे अनुभवी व्यक्ति ने नहीं का ध्यान ये सैद्धांतिक तौर पर मान लिया कि यथास्थिति यहाँ खराब है और उनको बोलना चाहिए था तो भारत के अंदर बोलना चाहिए, ये बात सही है, ये इन्होंने मान लिया जो स्थिति है यहाँ ठीक है, लेकिन इसको यही बोलना चाहिए था, इसके लिए बोलिए। हाँ ठीक है, जो बात विपक्ष में करिए उसका जवाब ये सच है, ये सरकार जवाब देगी, जो आपको आरोप प्रत्यारोप लगाए सदन में लगाइए, सरकार जवाब। भारत इतना बड़ा विशाल देश है, जगह जगह सरकार आपको सदन में जवाब देगी, आपके आरोप प्रत्यारोप का जवाब सदन में दिया जाता है, जो भी कहना है जो भी सुनना है, गाली देना भारतवासियों का अपमान है गौरव जी, नहीं सह सकते फाड़ना है, हम भारतवासियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, सदन में करिए। हम ये चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री है, मैं सभी यात्रा के लिए भारत नहीं चलने दे सकते, मैं आप सभी पूछता हूं, ये इनका जवाब पत्र मैं सभी पूछता हूं जाएगा, मैं सभी पूछता हूं, जब कभी कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम लखनऊ प्रदर्शन करते हैं, उत्तर प्रदेश प्रदर्शन करते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए बाहर चले जाते हैं? अगर वास्तव में आपको जनता से इतना प्रेम है तो उसके लिए संघर्ष करिए, रोड पर करिए, धरातल पर करिए। अरे भाई और रोड पे क्या चले, ब्रिटेन जा रही है होती, अरे सब प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ दिवाकर जी सहित ये प्रदर्शन देखिए एक मिनट, दिवाकर जी सहित पूरे इनकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कोई भी जिम्मेदार नेता सिर्फ एक हफ्ता 15 दिन जनता की जो स्थिति है, उनके सवाल है, कौतूहल है, द्वंद है, समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करते हुए साफ मन से, साफ मन से 15 दिन तक ट्रेन से यात्रा कर ले, ये नहीं कर सकते हैं, इनमें साहस नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर की बात हो गया, हो गया, जब पंडे सरकार बात आ गई, पूरे सरकार बन रही है और आपके से कुछ नहीं होने वाला है, पुनः 24 में जय प्रकाश पांडे माननीय मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये हैट्रिक लगने वाली है, ये हैट्रिक है, ये हैट्रिक है, आप हंसी उड़ा रहे थे, हैट्रिक लगने वाली है, नहीं नहीं हंसने का सवाल है नहीं, गंभीर विमर्श था, हाँ फिर मुस्कुरा रहे हैं आप,
हैट्रिक का पुरस्कार क्यों ना भैया? आप नहीं, हम तो भाई आपके ज्योतिष ज्ञान कांग्रेस खड़ा हुआ है और सर समझ गए कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि भाजपा निश्चित रूप से इनके द्वारा जो कुकृत्य शुरू हुए थे कांग्रेस के द्वारा, अच्छा बस ये है कि उन्होंने तोता सीबीआई तब तोता थी, इन्होंने बाज बना दिया। अच्छा तो ये है कि शुरुआत तो संवैधानिक हमारा तो जन्म ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी जेपी नारायण गठबंधन क्यों कर लिया था? सुन लिया मैं बता अगर तोता थी सुन लिया हमारा जो जन्म हुआ था समाजवादियों का वो आजादी के पहले 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हुआ था। नेहरू सुभाष बाबू संरक्षक थे, जेपी लोहिया बीजू पटनायक मीनू मसानी अच्छा, लोगों ने करा था अच्छा। तो हम कई मसलों पे इनसे नीतिगत असहमति रखते हैं, वो भी सामाजिक न्याय की दृष्टि से बराबरी अच्छा। के लिहाज से। लेकिन के पंचायत में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने हमेशा विश्व में भारत का मान बढ़ाया, सुनिए हमेशा भारत का मान बढ़ाएंगे कभी नहीं कहा है। भारत से मुलायम सिंह कहते हैं मुलायम सिंह मुलायम सिंह भी ये कहते थे चाइना अगर दुश्मन है तो पूरे भारत का दुश्मन है, किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, इसी पूरे भारत का पर्दाफाश किया है राहुल गांधी जी के जवाब में। राहुल गांधी आलाप कर रहे हैं, बाकी मेहमान भी बोलेंगे भाई, आप यहां बोलने मत लग जाएं। जब भाई बात पूरी करिए, जब भाई बोलिए जी। ये इसलिए ये जरूर है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन समाजवादी फिरका परस्त के साथ नहीं होगा। अच्छा तो वो तो स्वाभाविक है कि हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है जी। और वो तो कभी मिल सवाल ही नहीं कि उनके साथ खड़े हो जाए, राष्ट्र के साथ खड़े। दूसरी बात मैं आपसे ये बता दूं, मुलायम सिंह ने पुनः प्रधानमंत्री बनने पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी को बधाई दिया था, आप कैसे साथ में नहीं है? वो तो शिष्टाचार नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, उनकी मानसिकता रही प्रधानमंत्री मुझे अंदर के किसी समझ में आ रही है, मुझे अंदर की ट्यूटिंग समझ में आ रही है। ठीक है वो जो है वो उनका वो तो पितामह की तरह उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उनके मौत के बाद जिन पवित्र शब्दों से भाजपा के छोटे छोटे विभूषण पद्म विभूषण से सरकार ने उनको नवाजा है, भारत रत्न लायक उसको पद्म विभूषण दे के कहिए, और दूसरा ये करिए पद्म विभूषण से नवाजा, दूसरा पद्म विभूषण से बड़ा कद था उनका, दूसरा आपकी आईटी टीम जो है उनको मुल्ला मुलायम कहे, और आप जो भी हुई सदन में हुई वो अलग जो हुई है अंदर हुई, भारत में बातें होती रहती हैं और भारतवासी हैं, भारत में बातें करते रहेंगे। सुनिए एक लोकतंत्र पड़ी होती रहेगी भारत में, चलता सदन की भाषा में, सदन की गरिमा भाषा में। सुन लीजिए दिवाकर जी, सुनिए ये बड़ा हमें आश्चर्य हो रहा कि भारत जैसा देश यही दलाई लामा आज है, आंग सान सूकी का नैतिक समर्थन हम देते रहे, फिलिस्तीन की आजादी जब तक देखे लड़ाई लड़ते रहे, तो पूरा दौर में हम लोग नैतिक समर्थन आर्थिक समर्थन भी देते रहे यारापात को जी। तो ये जो लोकतंत्र के संदर्भ में कोई भी एकेडमिक गोष्ठी है उसमें लोग जाते रहते हैं, नैतिक समर्थन करते रहते हैं, और सरकार अगर फासिस्ट चरित्र पे जा रही है, हमारे तीसरे चौथे खंभे डैमेज हो रहे हैं, तो उधर इशारा कर देने से भारत खतरे में नहीं जाता है, ये भारत पे हमला नहीं है, ये विश्व के पंचायत में सुन लीजिए, ये भारत के अंदर की बात, भारत के अंदर की बात, भारत के अंदर होनी चाहिए, भारत को जानते हैं, हमारा गाना है, कोई गाना नहीं, ये गाना खतरनाक है, हम भारत अगर ये गाना खतरनाक, आप अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रहे हैं, कुचल नहीं रहे, अब यहाँ आप बोलने नहीं देंगे, भारत में करेंगे, सारे पत्रकार बंदी है, भारत की सदन में आप नोटिस जनरेट करेंगे, न्यायपालिका डरी हुई है, कहीं नहीं डरी हुई है, ये है कि लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं आप, कहाँ डर गई न्यायपालिका, कहीं नहीं डरी हुई है, बता तो रहा हूँ, जो करेगा जैसा करेगा वैसा करेगा। अरे तो जब ये मतलब जिन लोगों पे आर्थिक अपराध लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं, पूरा चिल्लाते रहते हैं, मुकुल मतलब आप पूरा बंगाल असम के कितने लोगों का नाम हम लिख के दे दें, अच्छा। जिनके खिलाफ मतलब पहले अभियान चलाए, जब वो भाजपा में आ गए तो अब वहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही है, तो आपकी तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ही नहीं है, अच्छा। खतरा देश में इसीलिए कि प्रतिपक्ष जहाँ चुनाव होना है वहाँ ईडी सीबीआई मारिए, तो दोनों तरफ ऐसा परिवर्तन करिए, आइए परिवर्तन मुझे आपत्ति है, सवाल करने वाले को लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने वाले व्यक्ति को इस तरीके से खुला ऑफर मत बनाइए, गौरव जी का कार्यक्रम इसको मंच मत दीजिए, आप ये प्रलोभन वाली राजनीति छोड़ दीजिए, अमित शाह के लिए रहने दीजिए, अमित शाह के लिए रहने दीजिए, अच्छा ठीक है ठीक है। हम लोग गजन भाई, गजन भाई, गजन भाई अपनी बात पूरी जी बोलिए, बिरोध सिंह बड़ा नाराज हो गए थे आपसे। हाँ नहीं नहीं, नाराज नाराज होना ही स्वाभाविक है, अपने पार्टी की बात लोग वहां पे करेंगे,
और आपके अनुभव का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आज लगता है आप मुझसे आधा घंटा पहले 20 मिनट आ गए थे। दिवाकर जी के साथ जो आपने चाय पे गड़बड़ चर्चा कर दी, इसी वजह से चर्चा ये देख लिया यही आरोप है इनका। चाय साथ नहीं पिए, स्वतंत्र वैचारिक मतभेद नहीं करना चाहिए। विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक है, इनका सम्मान होना चाहिए, किसी दल के नहीं है। जी राहुल गांधी जी का ये कहना है कि विपक्ष के तमाम नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं, ये बात आप देश में कहिए। देश में हमारे यहाँ न्यायपालिका है, अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है वहां जाइए, अपनी बात कहिए। आप उस मंच का एक तरह से समझिए, भारत के विरोध में कोई चीज कहना जी ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक बात और मैं आपसे कह दूं जी, भारतीय जनता पार्टी को बैठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जी कि ये अपनी रिच बनाते जाएंगे। अच्छा, अरे आप कौन से विश्लेषक के सामने बहुत बड़ी सभा, अरे सब देखिए सपा ने कितनी अच्छी बात कही, अडानी का हंगामा रोकने की ये सब साजिश है। आप कह रहे रिच बनाएंगे, हालत खराब हो रही है इनकी। सामंजस्य है, अपने सामंजस्य को सपा ने कैसे कहा जी, क्योंकि सपा ने कांग्रेस को ही खाया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, खत्म हो गए। अरे राजनीतिक विषय, अरे वो हम खाए या वो खाए, लेकिन हम दोनों भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ नहीं है। कांग्रेस चाहे जो भी करे, नहीं राष्ट्रीय मुद्दे पे आप देश के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश और मोदी हैं, और आप भी राष्ट्रीय मुद्दे पे आप देश के साथ हैं, लेकिन हम देश के साथ हैं, देश के साथ हैं, और जो भी विरोध है अंदर विरोध होना चाहिए। संगठनविहीन कांग्रेस है ना आप पर उत्तर प्रदेश में, ये क्या कह रहे भाई, संगठनविहीन क्यों हो गई, ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, संगठन में हो गई। अरे आप विश्लेषक महोदय, मुद्दे से क्रिएट मत होइए, उस पे रहिए। मैं आपको बता दूं, आप राहुल गांधी का भाषण कराएंगे, राहुल गांधी का भाषण आपने सुना नहीं है, सुन लीजिए जाकर, आपने राहुल गांधी का भाषण ही नहीं सुना, सुन लीजिए। आप जो चीन का नाम ले रहे थे गलत ले रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को अलग अलग है। आज मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर के बारे में भाई 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 सारे आखिरी दो मिनट गौरव भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज बड़े भाई गजेन जी को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने भाजपा भक्ति में दिवाकर भाई को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये गलत है, ये गलत है, सही बात सुनने में दिवाकर को सही बात सुनने में आरोप लगाना, ये विषय के साथ नहीं कर सकता आरोप लगाना, सच्चाई इनको स्वीकार नहीं है। इनके मन की बात करेंगे अच्छा है, हो गया, और गलत बात का विरोध करेंगे। जगपत भाई आखिरी कमेंट आपका, जगपत भाई बोलिए। ये निश्चित रूप से संवेदनशील मसला है जी, और राष्ट्र का अपमान तो नाकाबिले बर्दाश्त है बिल्कुल। लेकिन जो ये बात गजेंद्र जी कह रहे थे चीन के संदर्भ में, वो बहुत क्लासिकल लेक्चर है, उसके कुछ अंशों से मतभेद हो सकता है, वो भाजपा समझे कांग्रेस समझे, शब्द तो शब्द है, मतभेद वाली बात नहीं, शब्द शब्द है। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी चीन के, आप देश के साथ हैं कि नहीं, बताइए समय देश के साथ है कि नहीं, बताइए। एक बात आ गई, देश के साथ जो भी विरोध है देश के अंदर करिए, हम लोग कहते हैं देश के अंदर विरोध करिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, आप देश के साथ है, देश की बात कहते भाई, कोई बात नहीं, आप देश के साथ हैं, देश के साथ रहिए, आप देश के साथ रहिए, देश के साथ सदन में बोलिए, सदन बना है, चीन और अमेरिका सुनिए, इमरजेंसी नहीं लागू है, इमरजेंसी नहीं लागू है, इमरजेंसी नहीं लागू हो गया, हो गया, सदन में चलिए, हो गया, हो गया। आप सभी मेंबर्स इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी महत्वपूर्ण कि राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर जिस तरह से घमासान मचा है, कहीं ना कहीं इस पर अब फिलहाल जो राजनीतिक हलचल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आज राज्यसभा और लोकसभा में राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही गई, जिस तरह आज बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने तक की बात कह डाली, तो कहीं ना कहीं ये मामला आगे भी बढ़ने वाला है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, तमाम जो समस्या उनको लेकर वो प्रदर्शन हमारे देश में हो रहे हैं। यहाँ बात केवल संसद की नहीं, यहाँ बात माइनॉरिटी की नहीं, यहाँ बात प्रेस की नहीं, यहाँ बात सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की नहीं, यहाँ बात केवल केवल ये है कि जो मंच चुना है, शायद वो मंच हमारे देश की धरा होती या हमारे देश की राजधानी होती या उत्तर प्रदेश की राजधानी होती या जहाँ से सांसद हैं वो होता या 3500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कोई एक मंच होता तो शायद बेहतर संदेश भी जाता।
यहाँ पर विरोध की कोई बात नहीं है, वो अधिकार आपको देश के संविधान ने दिया है, पर शायद अगर मंच बेहतर होता तो परिणाम भी बेहतर आते और शायद आपकी इन बातों को सुना भी जाता बेहतर तरीके से। जिस तरह से आपकी बात पर यहाँ पर घमासान मचा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी की जो छवि जो 3570 किलोमीटर की यात्रा के बाद बनी थी, उसके लिए थोड़ा थोड़ा कुठाराघात जरूर है। आगे संघर्ष जरूरी है और संघर्ष के साथ नफरत की राजनीति को अलग करते हुए बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करिए। उसके लिए सत्ता पक्ष भी जरूरी है और बेहतर विपक्ष भी जरूरी है। संविधान अधिकार देता है बात करने का, विरोध करने का और आपको संघर्ष करने का। उस संविधान के अधिकार की यहाँ गरिमा रखिए और कम से कम अपने देश की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं करिए कि कोई ना कोई हो या ना कहे, हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारत के सम्मान सब करना हम सबका एक अधिकार भी है और शायद जिम्मेदारी भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।